अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज स्टूडेंट जानेंगे ज्वाइन पाक नेवी एंड सिविलाइजेशन जॉब 2021 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करनी है, सारी डिटेल मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपको एंड तक लाजमी देखना ताकि आपकी कोई चीज रह जाए। इस वीडियो के एंड में आपको ये भी दिखाऊंगा कि आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इसकी लास्ट डेट है वो है 4 सितंबर 2021 है और ये 2 अगस्त 2021 से फॉर्म स्टार्ट हुई है। इसमें आपको इस बैच का जो नाम दिया गया वो A2220 है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सारा प्रोसेस की लिंक इस वीडियो में होगी। ये वीडियो आपको एंड तक लाजमी देखना ताकि आपकी जो कोई भी चीज रह जाए, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी आपकी कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। अगर प्रोसेस के लिए जो इसमें जॉब्स आए हैं उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है डेटा एंट्री ऑपरेटर BPS 14 और ड्राफ्ट मेंस BPS 11 और ड्राफ्ट मेंस BPS 7 और जूनियर इंस्ट्रक्शन BPS 7 और जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट BPS 12 और लेबोरेटरी असिस्टेंट BPS 7 और लेडी हेल्थ विजिटर BPS 9 और लेडी रिस्पिटिशन BPS 7 और असिस्टेंट एग्जामिनर BPS 11 और असिस्टेंट स्टोर कीपर BPS 9 और सिविल अप्रेंटिस BPS 7 और आगे है लोअर डिविजन क्लर्क जिसको शॉर्ट फॉर्म LDC BPS 9 है बताया जाता है LDC से नाम से और मिडवाइफ है BPS 7 है, फोटोग्राफर BPS 10 और उसके साथ सेनेटरी इंस्पेक्शन BPS 6 है और सेनेटरी टर्म कीपर BPS 8 है और स्पोर्ट्स कोचिंग शूटिंग BPS 14 है और उसके साथ स्टोरमैन है BPS 7 और सब इंस्पेक्शन BPS 14 है और टेलीफोन ऑपरेटर BPS 9 है और अपर डिवीजन क्लर्क जिसको शॉर्ट फॉर्म UTC बोला जाता है BPS 11 है और लास्ट में उर्दू टाइपिंग BPS 6 है। अगर प्रोसेस के लिए इसकी पोस्टिंग है वो आज से स्टार्ट है 2/9/2021 है और लोकेशन इसकी आपके सामने है। एजुकेशन आपकी जो बेचलर होनी चाहिए, इंटरमीडिएट, मास्टर, मेट्रिक, मिडल, प्राइमरी और डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकती है। इसकी लास्ट डेट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है 4 सितंबर 2021 है। वैकेंसी 500 से प्लस है, इसकी टोटल वैकेंसीज आपके सामने है और कंपनी नेम जिसमें आप अप्लाई करने चाहते हैं वो पाक नेवी है। एड्रेस आपकी है वो आपके सामने है, पाकिस्तान नेवी रेस्टोरेंट एंड सिलेक्शन सेंटर लाहौर है। आगे प्रोसेस के लिए आपको अप्लाई करना कैसे करना है उसकी लिंक इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन होगी। तो आगे चलते हैं कि इसमें अप्लाई करने का सारा प्रोसेस कैसे है। तो जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो इंटरफेस आएगा वो इस तरह का आ गया। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेंच सिलेक्ट करनी है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं कोई भी। फॉर एग्जाम्पल तौर में यहाँ पर सब इंस्पेक्टर सिलेक्ट करो, लेकिन आप जिसमें अप्लाई करना चाहती है वो सिलेक्ट करना। उसके बाद आपका फुल नेम ऐड कर लेना। फुल नेम ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको CNIC ऐड कर लेना। CNIC ऐड करने के बाद आपके फादर का नाम है वो ऐड कर लेना है। फादर नाम के बाद आपके फादर का CNIC नंबर ऐड कर लेना। उसके बाद है जेंडर, मेल है फीमेल है, आप मेल है मेल ऐड करें, फीमेल है फीमेल ऐड करें। उसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ ऐड करने के बाद आपकी हाइट जो लाजमी जो आपकी रिएक्ट करेक्ट शो है वो यहाँ पर ऐड कर लें। मैं फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ कर रहा हूँ लेकिन आप ऐसे नहीं करना है क्योंकि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो सके, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। आप फॉर एग्जाम्पल तो आप हाइट कम्प्लीट कर ले, फॉर्म सबमिट कर लेती हैं लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट कम्प्लीट होने के लिए आपको रिजेक्ट फॉर्म किया जा सकता है। उसके बाद नीचे जाओगे तो वह मेटल स्टेटस है, सिंगल है या मेरिड है। उसके बाद रिलीजियस आपकी इस्लामिक है या नॉन इस्लामिक जो भी है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी। उसके बाद नीचे जाओगे तो आपको रूरल है अरबियन है या आपकी सिटी से है या किसी आउट विलेज से है। उसके बाद प्रोविंस आपका कौन सा वो ऐड कर लेना है। प्रोविंस ऐड करने के बाद आपको डोमिसाइल आपको जो भी है जिस डिस्ट्रिक्ट से उस डोमिसाइल का नाम ऐड कर लेना। पोस्टल एड्रेस यहाँ पर इस कॉलम आपको ऐड कर लेनी है। पोस्टल एड्रेस ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर अपना ऐड कर लेना है। ये सारी डिटेल ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको टेलीफोन नंबर ऐड करना है। ये आपके पास है तो ऐड करें और नहीं है तो बस इस कॉलम को छोड़ सकते हैं। उसके साथ ईमेल एड्रेस जो आपकी क्रिएट की हुई ईमेल है तो यहाँ पर ऐड करें, नहीं है तो बस इसको भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट सेंटर वो ही सिलेक्ट करें जिसको आप एक्सचेंज नहीं करो। सिलेक्ट सेंटर एक ही बार सिलेक्ट होगा, उसके बाद आप जो सिलेक्ट सेंटर होगा वो एक्सचेंज नहीं हो सकेगा। उसके बाद आपको नीचे जाकर सबमिट फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप अपलोडिंग 2-3 मिनट ज्यादा तो 2-3 या 5 मिनट लेता है, 5 मिनट के बाद आपका सबमिशन फॉर्म हो जाएगा। नहीं हो जाएगा उसके अलावा आगे कोई कंफ्यूगेशन होगी तो आ करके मुझे कमेंट करें। यहाँ पर मेरा नेट स्लो है तो यहाँ अपलोडिंग में टाइम लगेगा, उसके लिए मैं यहाँ तक एंड कर लेता हूँ। आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आ करके कमेंट करें, मैं उसी टाइम आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।